लॉकडाउन के दौरान कई तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली आई हैं। मुंबई काम करने गए सूरजमणि वर्मा पैसे के अभाव में अपनी गर्भवती पत्नी को पैदल लेकर लौट रहे थे। लगातार 500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में महिला को असहनीय दर्द हुआ और फिर लखनऊ डाउन पहुंचते ही सिविल अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मजदूर अब प्रशासन से घर जाने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। लॉकडाउन में बाहर काम करने गए मजदूरों को हर तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ निवासी सूरजमणि वर्मा अपनी पत्नी रेणु वर्मा के साथ परिवार के जीवन यापन के लिए मुंबई में एक कपड़ा व्यापारी के पास काम करते थे। लॉकडाउन के चलते सभी सुविधा बंद हो गई। पैसे ना होने के अभाव में और घर जाने की चाह में सूरजमणि अपनी गर्भवती पत्नी और 50 साथियों के साथ मुंबई से प्रतापगढ़ पैदल ही चलने को मजबूर हो गए। लगातार 500 किलोमीटर पैदल चलने से रेणु की हालत खराब हो गई और असहनीय प्रसव पीड़ा के चलते लखनऊ डॉन के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अब सूरजमणि और उसकी पत्नी रेणु को लखनऊ डॉन प्रशासन से उम्मीद है कि इस हाल में प्रशासन मदद करके उन्हें घर तक भेज देगा। मुंबई से हम लोग पैदल आ रहे, लॉकडाउन लगने के कारण सेठ मेरा पैसा नहीं दिया, तो हम लोग 50 जन थे साथ में आ रहे थे, तो मेरी औरत को डिलीवरी था, उसको तकलीफ हो गया, तो मैं लखनऊ जोन हॉस्पिटल में ला के उसको भर्ती किया, उधर उसको बच्चा हुआ। मेरा एक प्रशासन से गुजारिश है कि हमको घर भेजा जाए और हमको थोड़ा मदद किया जाए। मुंबई से लॉकडाउन लगा, मेरे पति का काम बंद हो गया, मैं पैदल चल के आ रही थी और मेरी डिलीवरी थी। डिलीवरी होने के कारण यहाँ पर लखनऊ में पहुँचे, दर्द होने लगा, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मुझे यहाँ से गांव पहुँचाया गया। मेरे पास पैसा ऐसे नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।